राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के चार आरोपियों की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी। चारों आरोपियों पर यह हमला तब हुआ जब उन्हें जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद वापस लाया जा रहा था। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षित बचाकर वाहन तक लाने में कामयाब रहे। आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बावजूद पुलिस आरोपियों को गुस्साई भीड़ से बचा नहीं सकी। लोगों ने जूते चप्पलों और डंडों से इनकी पिटाई कर दी। जब पुलिस इन्हें वैन में बिठा रही थी, इसी दौरान लोगों ने आरोपियों पर हमला किया। जयपुर की एनआईए कोर्ट ने 12 जुलाई तक आरोपियों को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले उदयपुर की एक कोर्ट ने 2 आरोपियों को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था और अब इन सभी आरोपियों को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। 28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या की गई थी। वारदात के बाद राजस्थान में जगह जगह बवाल शुरू हो गए थे। उसी दिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की वजह से कन्हैयालाल की हत्या की गई।